Welcome to Dental and Ayurveda, a channel for basic Ayurvedic and dental sciences. Our today's chapter is Typhoid, a chapter of both microbiology and medicine. So today we are going to study enteric fever. Enteric fever koi ek particular term nahi hai. It is actually a combination of two different fevers. First is typhoid fever and the other one is paratyphoid fever. टाइफाइड फीवर जो है इट इज कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी. टाइफाइड है इसलिए टाइफी एंड पैराटाइफाइड फीवर इज कॉज्ड बाय साल्मोनेला पैराटाइफी. एज द नेम सजेस्ट पैराटाइफाइड है इसलिए पैराटाइफी एंड बोथ दीज बैक्टीरिया बिलोंग्स टू द ग्रुप साल्मोनेला ऑफ बैक्टीरिया. दीज आर बोथ बैक्टीरियाज एंड बैक्टीरियाज एक्ट एज पैथोजन इन एंटेरिक फीवर बोथ साल्मोनेला टाइफी एंड साल्मोनेला पैराटाइफी. So let's see कि क्यों enteric fever को enteric fever ही बोला जाता है. There has to be a reason behind this. So to understand this, we'll have to first understand कि enteric term related होता है हमारी intestine से. जैसे हमारा intestine juice होता है तो septus enteric होता है. So इसे हम enteric fever इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये जो infection होता है typhoid और paratyphoid का, ये basically intestine से शुरुआत करता है अपनी और intestine में ही ये perforation करता है, hemorrhages करता है और ulcers करता है. इसी के कारण इसे enteric fever कहा गया है. Next is कि ID50 क्या होती है enteric fever की, typhoid और paratyphoid fever की. So just to remind you कि ID50 का मतलब क्या होता है. तो ID50 का मतलब होता है कि मान लीजिए हमने एक experimental study conduct करी, उसमें 100 लोगों को हमने bacilli expose किया salmonella typhi के. तो हमें उतने नंबर ऑफ साल्मोनेला टाइफी के बैसिलाई ढूंढने हैं जिससे कि 50% लोगों में इन्फेक्शन हो जाता है. ऑफ कोर्स ही बात है, देयर हैज टू बी अ पर्टिकुलर नंबर एंड इस केस में साल्मोनेला टाइफी और पैराटाइफी के केस में दैट नंबर इज ऑलमोस्ट 10^3 to 10^6. इसका मतलब अगर इससे कम बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करेंगे तो देर आर चांसेस कि हमें इन्फेक्शन हो ही नहीं. सो टू कॉज इन्फेक्शन एटलीस्ट ID50 की डोज से ज्यादा या उसके बराबर बैक्टीरिया एंटर करेंगे तभी हमें जो है टाइफॉइड या पैराटाइफॉइड या इन ऑल एंटेरिक फीवर का इन्फेक्शन होगा. नेक्स्ट इज व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ दिस एंटेरिक फीवर. तो इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब देख लेते हैं पहले. तो मान लेते हैं कि मेरी बॉडी में आज जो है साल्मोनेला टाइफी एंटर किया, मतलब मुझे आज इन्फेक्शन हुआ है साल्मोनेला टाइफी का और 7 दिन बाद मुझे पहला सिम्टम आया कि टाइफॉइड का सिम्टम आ रहा है, जैसे हाई फीवर हो रहा है मुझे, स्टेप ब्लैडर फीवर हो रहा है मुझे. तो दैट टाइम पीरियड जब आपको इन्फेक्शन हुआ और उसके बाद आपको पहला सिम्टम नजर आया उसे इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं. सो इट इज द टाइम बिटवीन फर्स्ट एक्सपोजर टू इन्फेक्शन एज अकरेंस ऑफ फर्स्ट सिम्टम ऑफ इन्फेक्शन, दैट इज नोन एज इंक्यूबेशन पीरियड. और इस केस में टाइफॉइड और पैराटाइफॉइड के केस में जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो ऑलमोस्ट 7 to 14 days का होता है, दैट मीन्स 1 to 2 weeks. बट ऑन एन एवरेज अगर एक रेंज लेके चलें तो इट इज सजेस्टेड कि ये रेंज 3 days से 56 days तक भी वेरी कर सकती है. देन वी हैव व्हाट इज द एपिडेमियोलॉजी ऑफ साल्मोनेला इन्फेक्शन. एपिडेमियोलॉजी का मतलब कि कैसे स्प्रेड होता है ये, हाउ डज इट स्प्रेड. तो एंटेरिक फीवर कैसे स्प्रेड होगा. तो एंटेरिक फीवर जो है वो कंटैमिनेटेड वाटर और कंटैमिनेटेड फूड के साथ स्प्रेड होता है. जो साल्मोनेला के बैसिलाई हैं वो रिलीज होते हैं वाटर और फूड में और हम जब कंटैमिनेटेड वाटर या फूड खाते हैं तो उसके साथ हमारी बॉडी में इंजेस्ट हो जाते हैं. इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं हम कि क्या डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कौन कौन सी कंट्रीज में मोर प्रेवलेंट है, कौन कौन सी कंट्रीज में लेस प्रेवलेंट है. तो कंट्रीज की बात की जाए तो एडवांस कंट्रीज में ऑलमोस्ट एलिमिनेटेड है टाइफॉइड फीवर. क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि एडवांस कंट्रीज में सैनिटाइजेशन प्रॉपर है, वहाँ पे वाटर जो है वो प्रॉपरली स्टेरलाइज होके घर में जाता है, क्लोरिनेटेड वाटर जाता है, पोर्टेबल वाटर भी क्लोरिनेट होके जाता है. वाइल डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में एज एन एपिडेमिक या एंडेमिक स्प्रेड होता है. क्यों? क्योंकि अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में जो है ऑफकोर्स ही बात है सैनिटाइजेशन प्रॉब्लम होती है. देन वी हैव कि किस एज ग्रुप में ज़्यादा होता है. तो 5 to 20 years के एज ग्रुप में ये ज़्यादा होता है और हम ऐसा इसलिए कह सकते हैं बिकॉज 5 to 20 years की एज ग्रुप ऐसी होती है जिसमें इम्यून सिस्टम डेवलप कर रहा होता है और बाहर का भी बच्चा बहुत ज़्यादा खाता है तो देर आर चांसेस कि कंटेमिनेशन ज़्यादा हो. बट ठीक है, ये एंटेरिक फीवर ऑलमोस्ट ऑल एज ग्रुप का डिजीज है बट अगर स्टैटिस्टिक्स देखी जाए तो ज़्यादा 5 to 20 years में होता है. और अगर टाइफॉइड और पैराटाइफॉइड के बीच का रेशियो देखा जाए
इट इज ऑलमोस्ट 10:1, इसका मतलब टाइफॉइड इज मोर कॉमन देन पैरा टाइफॉइड। फिर हम इसके बाद देखते हैं कि क्या क्या सोर्स हो सकते हैं इस इन्फेक्शन के। तो ऑफ कोर्स ये बात है, पेशेंट तो एक सोर्स हो गई, क्योंकि पेशेंट जो है अपनी यूरिन और फीसेस में जो बैसिलस रिलीज करेगा उससे इन्फेक्शन हो सकता है। तो पेशेंट इज ऑफ कोर्स अ सोर्स ऑफ दिस इन्फेक्शन, बट कैरियर्स जो होते हैं वो भी सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हो सकते हैं। अब कैरियर का मतलब क्या होता है? वो लोग जिनको खुद को तो सिम्टम्स खत्म हो चुके हैं इस डिजीज के, पर फिर भी वो अपनी फीसेज और यूरिन में जो है बैसिलस कॉन्टिन्यूसली रिलीज कर रहे हैं, जिसके कारण और लोगों को इन्फेक्शन हो सकता है। तो कैरियर्स भी तीन तरीके के होते हैं। फर्स्ट इज कन्वेलेसेंट कैरियर, सेकेंड इज टेम्परेरी कैरियर, एंड थर्ड इज क्रॉनिक कैरियर। ये सब टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग होते हैं। कन्वेलेसेंट कैरियर मतलब जैसे किसी इंसान का ट्रीटमेंट शुरू हो चुका है और वो ट्रीट हो चुका है, पर फिर भी वो 3 हफ्ते से 3 महीने तक रिलीज करता है बैसिलस। अगर 3 मंथ से 1 साल तक रिलीज करता है तो दैट इज टेम्परेरी कैरियर, और अगर मोर देन ए ईयर रिलीज करता है बैसिलस यूरिन और फीसेस में तो दैट इज क्रॉनिक कैरियर। क्रॉनिक मीन्स लंबे समय तक। देन लेट्स सी कि व्हाट इज पैथोजेनेसिस ऑफ दिस एंटेरिक फीवर एंड इन पर्टिकुलरली टाइफॉइड फीवर। पैथोजेनेसिस का मतलब कि कैसे कैसे बैक्टीरिया एंटर करता है बॉडी में और कैसे कैसे जो है वो अपना इन्फेक्शन स्प्रेड करके अपने क्लिनिकल फीचर्स दिखाता है। तो पैथोजेनेसिस की शुरुआत होती है जैसे ही कंटैमिनेटेड फूड या वाटर हमारी बॉडी में जाता है, तो उसके साथ बैसिलस जो है हमारे इंटेस्टाइन तक पहुंच जाते हैं। इंटेस्टाइन में हमें पता है हमारी इंटेस्टाइन की लेयर्स होती है म्यूकोसा, लैमिना प्रोप्रिया, सब म्यूकोसा। तो ये बैसिलस जो है इन लेयर्स को एंटर कर जाते हैं और इन लेयर्स को परफोरेट कर जाते हैं, स्पेशली इंटेस्टाइन में भी ईलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन का ईलियम पार्ट। उसके बाद क्या होता है, हमें पता है कि सब म्यूकोसा, म्यूकोसा, लैमिना प्रोप्रिया में मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स रहेंगी, टिश्यू मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स। तो एक बार बैक्टीरिया इन लेयर्स में एंटर कर जाता है तो मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स एक्टिव हो जाती है, बिकॉज फॉरेन बॉडी एंटर कर गई है हमारी बॉडी में, तो वो उन्हें इंजेस्ट कर लेती है एज अ पार्ट ऑफ इन्फ्लामेशन। बट कुछ बैक्टीरिया अब इस प्रोसेस में मर जाते हैं और कुछ बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाते हैं। तो जो बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाते हैं वो आगे इन्फेक्शन कॉज करते हैं, और इन्फेक्शन कॉज करने के लिए हमारी बॉडी की मैक्रोफेजेस से मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स में घुस जाते हैं। मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स वो लिम्फ नोड्स हैं जो कि ईलियम से एसोसिएटेड होती हैं। एक बार मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स में घुस गए तो वहां पे न्यूट्रिशन डेराइव करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, और मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स से ये पहुंच जाते हैं थोरैसिक डक्ट में। थोरैसिक डक्ट हमारी बॉडी की वन ऑफ द लार्जेस्ट डक्ट्स में से एक है, जो कि ऑलमोस्ट हर ऑर्गन से जो है लिम्फ लेके आती है। सो अगर ये थोरैसिक डक्ट में घुस गए तो ऑलमोस्ट हर ऑर्गन तक पहुंचेंगे। सो यहाँ से स्प्रेड शुरू होता है इन बैसिलस का, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली दे कॉज बैक्टीरिमिया। ब्लड में स्प्रेड हो जाएगा पूरा बैक्टीरिया एंड वो हेमरेज करेगा हर ऑर्गन में जाके। टू समराइज दिस, आई हैव शोन अ ब्यूटिफुल डायग्राम ऑन द स्क्रीन। तो ये डायग्राम बस उसकी समरी है, लेट्स रिकैप इट अगेन। सबसे पहले बैसिलस इंजेस्ट होंगे फूड में, फूड में इंजेस्ट होने के बाद ही ईलियम में जाएंगे और ईलियम की माइक्रोविलाय से अटैच हो जाएंगे। माइक्रोविलाय से अटैच होने के बाद ये लैमिना प्रोप्रिया, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा में एंटर कर जाएंगे। इसके बाद ये पॉलीमॉर्फ या मैक्रोफेजेस के थ्रू फैगोसाइटोस हो जाएंगे। पॉलीमॉर्फ इज नथिंग बट न्यूट्रोफिल्स ओनली। वहां पे कुछ मर जाएंगे और कुछ सर्वाइव कर जाएंगे। जो सर्वाइव कर जाएंगे विच वुड रेजिस्ट किलिंग, वो मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स में एंटर कर जाएंगे। मेसेंट्रिक लिम्फ नोड से ये थोरैसिक डक्ट में जाएंगे, जो कि हमारी बॉडी की लार्जेस्ट डक्ट है, और वहां से ये ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाएंगे। ब्लड स्ट्रीम में एंटर करने के बाद बैक्टीरिमिया कॉज करेंगे। बैक्टीरिमिया मतलब ब्लड में बैक्टीरिया होना, और ऑलमोस्ट हर ऑर्गन तक स्प्रेड हो जाएंगे, जैसे गॉल ब्लैडर, लिवर, स्प्लीन, लिम्फ नोड्स, लंग्स एंड किडनीज। इसके बाद देयर इज समथिंग कि अगर ये बैसिलस गॉल ब्लैडर तक पहुंच जाते हैं तो वहां पे गॉल ब्लैडर में ये और भी ज्यादा एक्सट्रीमली ज्यादा मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं। हमें पता है गॉल ब्लैडर स्टोर्स बाइल, एंड बाइल ब्रॉथ जो है एक बहुत ही अच्छा कल्चर मीडियम एक्ट करता है बैक्टीरिया के लिए। तो वंस दीज साल्मोनेला बैक्टीरिया एंटर्स इनटू गॉल ब्लैडर, तो वहां पे जो स्टोर्ड बाइल है वो उनके लिए एज ए कल्चर मीडिया एक्ट करेगा और वहां पे वो ग्रो हो जाएंगे। एंड बाइल जो है हमारे डाइजेशन में भी काम आता है, तो डाइजेशन के वक्त ये बैसिलस बाइल के साथ साथ इंटेस्टाइन में कॉन्टिन्यूसली डिस्चार्ज होंगे।
एंड डिस्चार्ज होने के बाद ये जो इंटेस्टाइन की वॉल है उसे परफोरेट करेंगे और इंटेस्टाइन के जो लिम्फ नोड्स होते हैं जैसे पेयर्स पैचेस एंड लिम्फोइड फॉलिकल्स उनको टेक ओवर कर लेंगे और हमारी फीसेज में कॉन्टिन्यूसली डिस्चार्ज होते रहेंगे। आई हैव समराइज दिस इन अ डायग्राम एज वेल। गॉल ब्लैडर में पहुंच जाएंगे एज अ पार्ट ऑफ बैक्टीरीमिया, थोरैसिक डक्ट से, फिर जो बाइल स्टोर्ड है वो कल्चर मीडियम एक्ट करेगा। कल्चर मीडियम एक्ट करने के बाद इंटेस्टाइन में पहुंच कॉन्टिन्यूसली डिस्चार्ज होंगे, पेयर्स पैचेस और लिम्फोइड फॉलिकल्स को टेक ओवर कर लेंगे और अपना क्लासिक क्लिनिकल फीचर दैट मीन्स टाइफॉइड अल्सर्स, परफोरेशन एंड हेमरेज को शो करेंगे। नेक्स्ट वी विल सी कि व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ दिस टाइफॉइड फीवर, मतलब हम पेशेंट में क्या क्या देखेंगे सो दैट वी कुड डायग्नोज कि ये टाइफॉइड और पैराटाइफॉइड का फीवर हो सकता है। तो जो फर्स्ट वीक के डायग्नोसिस है, जो फर्स्ट वीक का क्लिनिकल फीचर्स है वो है हेडेक, सिर दर्द, मैलिस, मतलब ऐसा लगना, कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम बीमार होने वाले हैं या थोड़ा हल्की सी थकान है, तो दैट इज मैलिस, फीलिंग ऑफ इलनेस। एनोरेक्सिया, जो टाइफॉइड के पेशेंट होते हैं उन्हें पता नहीं क्यों अचानक से ये लगने लग जाता है कि वो काफ़ी ओबेस हैं एंड एक कॉन्शियस एफर्ट होती है उनकी खाना कम खाने की। तो एनोरेक्सिया इज लॉस ऑफ एपेटाइट बिकॉज ऑफ फीलिंग दैट वी आर ओबेस। देन वी हैव कोटेड टंग इन टाइफॉइड एंड पैराटाइफॉइड, आपकी टंग पे एक वाइटिश कलर की कोटिंग हो जाएगी विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टाइफॉइड एज वेल। देन ऑफकोर्स ये बात है कि एबडोमिनल डिजीज है, ईलियम इन्वॉल्व है तो एबडोमिनल डिस्कम्फर्ट होगी, कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया एंड ब्रेडिकार्डिया। नाउ ब्रेडिकार्डिया में समझने की बात ये है कि हमें पता है कि ऑफकोर्स ये बैक्टीरिया एंटर कर रहा है बॉडी में, इन्फ्लामेशन होगी, इन्फ्लामेशन होगी तो फीवर होना चाहिए ना, और फीवर में तो हार्ट रेट बढ़ जाती है। हमें पता है ना कि हमें जब फीवर होता है तो हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है, पल्स रेट बढ़ जाती है, बट इवन आफ्टर कि टाइफॉइड में फीवर होगा स्टिल जो हार्ट रेट है वो कम हो जाती है, ब्रेडिकार्डिया। सो हियर ब्रेडिकार्डिया इज एन एक्सेप्शन फ्रॉम हाइट ऑफ टेम्परेचर। देन एपिगैस्ट्रिक रीजन में स्प्लीन जो है वो पैल्पेबल होगी एंड हिपैटोमिगैली, हिपैटोमिगैली मतलब एनलार्जमेंट ऑफ लिवर, तो हिपैटोमिगैली भी होगी, स्लाइट हिपैटोमिगैली, क्योंकि लिवर ऑफकोर्स इज देन अ कल्चर मीडिया, प्रोवाइड्स अ कल्चर मीडिया फॉर बैसिलाई बिकॉज ऑफ बाइल स्टोर्ड इन इट। अदर क्लिनिकल फीचर्स जो कि सेकेंड टू थर्ड वीक में देखे जाते हैं एंड देन जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में देखे जाते हैं, दो साथ रोज स्पॉट्स, हमारी पूरी बॉडी पे रेड रेड कलर के स्पॉट्स हो जाएंगे और ऐसे स्पॉट्स जिनको हम फिंगर से दबाएंगे, थोड़ा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो स्पॉट्स डिसअपेयर हो जाएंगे, बट जैसे ही हम फिंगर से प्रेशर रिलीज करेंगे वो स्पॉट्स रीअपेयर हो जाएंगे। तो रोज स्पॉट्स आर ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ टाइफॉइड फीवर। देन स्टेप लैडर फीवर, स्टेप लैडर फीवर को समझने के लिए हमें ये स्टेप लैडर पता होना चाहिए क्या होता है। सो स्टेप लैडर मतलब सीढ़ियाँ। स्टेप लैडर फीवर में क्या होगा, मान लेते हैं कि आज सुबह मुझे टाइफॉइड है और मेरा टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, फिर शाम होते होते और बढ़ जाएगा टेम्परेचर मेरा 104 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, फिर थोड़ा टाइम बाद थोड़ा कम टेम्परेचर हो जाएगा, मान लेते हैं 101 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, फिर दोबारा से थोड़े टाइम बाद बढ़ जाएगा 104 से भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, इस बार मान लेते हैं 106 हो जाएगा, फिर थोड़ा कम हो जाएगा 105, फिर और बढ़ जाएगा 107, फिर थोड़ा कम हो जाएगा, ऐसे कम होना बढ़ना होता रहता है इसमें, एंड दिस इज स्टेप लैडर फीवर। ये भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है टाइफॉइड फीवर का। देन एक इन लिम्स, हाथ पैर दुखते हैं, ब्रोंकाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकियोल्स होती है, टॉक्सीमिया, बहुत ही वर्स कंडीशंस में टॉक्सीमिया हो जाता है, जो बैक्टीरिया है वो पूरे ब्लड में अपना टॉक्सिन रिलीज कर देते हैं और पूरे ब्लड में टॉक्सीमिया हो जाता है, कोमा एंड डेथ आर द फाइनल स्टेजेस अगर इसका ट्रीटमेंट ना हो तो। एंड पैराटाइफॉइड और टाइफॉइड फीवर के क्लिनिकल फीचर्स में थोड़ा डिफरेंस होता है, जो पैराटाइफॉइड फीवर है उसमें रैशेस ज़्यादा आते हैं और टाइफॉइड फीवर में GIT के सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं, मतलब एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, हिपैटोमिगैली, ये सब थोड़े ज़्यादा होते हैं टाइफॉइड में एज कम्पेयर टू पैराटाइफॉइड। देन वी हैव कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं अगर ये अनट्रीटेड रहे तो कॉम्प्लिकेशंस में हम हेड टू टो शुरू करते हैं। सो हेड में क्या होता है, ताकि ईजिली लर्न करें हम, हेड में क्या होता है, हमारा CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो CNS देखा जाए तो CNS क्या से रिलेटेड क्या होगा, साइकोसिस मतलब पागलपन, मेनिनजाइटिस मतलब ब्रेन की जो लेयर्स होती है, मेनिंजेस, प्रोटेक्टिव लेयर्स, उनका इन्फ्लामेशन हो सकता है। देन उसके बाद CNS के बाद क्या आता है, थोड़ा नीचे आएंगे तो हमारे ईयर्स,
डेफनेस भी इसका एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। ईयर्स के बाद क्या आएगा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो ब्रोंकाइटिस और ब्रोंकोनिमोनिया एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। उसके बाद क्या आएगा हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी कोलैप्स हो सकता है। ऑफ कोर्स ये बात है, अगर बैक्टीरिया हमारे पूरे ब्लड में टॉक्सिन रिलीज कर देगा तो शॉक में चले जाएंगे हम, और शॉक में जाने के बाद जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है हमारा वो कोलैप्स कर जाएगा। उसके बाद आते हैं जीआईटी के सिम्टम्स, तो जीआईटी के सिम्टम्स में क्या आएगा, परफोरेशन इन इंटेस्टाइन, वो हमने देख लिया म्यूकोसा सब म्यूकोसा और लैमिना प्रोप्रिया में होता है, हेमरेज इन इंटेस्टाइन एंड कोलेसिस्टाइटिस। कोलेसिस्टाइटिस का मतलब है कोले इज गॉल ब्लैडर, तो गॉल ब्लैडर में हमने देखा कि ये बैक्टीरिया ग्रो करने लगते हैं तो इट माइट लीड टू इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लैडर। देन जीआईटी के बाद आता है हमारे घुटने, तो अरिथ्रेटिस एंड पेरियोस्टाइटिस। देन अगर हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम देखा जाए तो नेफ्राइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ नेफ्रॉन्स, और इन ओवर ब्लड की बात की जाए तो ब्लड में हीमोलिटिक अनीमिया हो सकता है, बैक्टीरीमिया मतलब प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन ब्लड, टॉक्सीमिया मतलब प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियल टॉक्सिन इन ब्लड। सो दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ साल्मोनेला टाइफॉइड एंड पैराटाइफॉइड इन्फेक्शन, जो कि हमने हेड टू टो याद किए फॉर ईज। देन वी हैव कि क्या कन्वेलेसेंस होती है, कन्वेलेसेंस मतलब हीलिंग पीरियड क्या होता है इस एंटेरिक फीवर का, तो हीलिंग पीरियड इसका काफ़ी स्लो होता है, इट माइट टेक डेज और इट माइट टेक मंथ्स, एंड ये भी पॉसिबल है कि कन्वेलेसेंस आपको लगने लगे कि आप ठीक हो रहे हैं, मेडिसिन प्रॉपर ले रहे हैं, तो भी आपको बुखार दोबारा से हो जाए और दोबारा रीलैप्स हो जाए एंटेरिक फीवर का। एंड कई बार होता है कि आप ट्रीट हो चुके होते हैं बट फिर भी आप कैरियर स्टेट में होते हैं, हमने देखा कन्वेलेसेंट कैरियर, सो कन्वेलेसेंट कैरियर्स आर पॉसिबल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हीलिंग। देन लेट्स सी कि क्या क्या लैब डायग्नोसिस होता है इसके। ऑल्दो टाइफॉइड का लैब डायग्नोसिस एक बहुत ही एलैबोरेट प्रोसेस है जो कि माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा भी होता है हमने, एंड देयर इज अ सेपरेट वीडियो फॉर लैब डायग्नोसिस ऑफ टाइफॉइड एज वेल, बट एक ब्रीफ में मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से लैब डायग्नोसिस देखा जाए तो तीन तरीके के डायग्नोसिस हो सकते हैं, या तो बैक्टीरिया का कल्चर किया जाए, या फिर हमारी बॉडी में एंटीबॉडी दिखाई जाए उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट, या फिर बैक्टीरिया के एंटीजन का डेमॉन्स्ट्रेशन किया जाए। तो कल्चर किन किन चीज़ों का कर सकते हैं हम, ब्लड का कल्चर कर सकते हैं क्योंकि ब्लड में बैक्टीरिया होते हैं, फीसेस का कल्चर कर सकते हैं, यूरिन का कल्चर कर सकते हैं और बाइल का कल्चर कर सकते हैं। एंटीबॉडी डेमॉन्स्ट्रेशन के लिए एक बहुत ही फेमस टेस्ट है, आप लोगों ने सुना भी होगा इसके बारे में, दैट इज विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट एक टाइफॉइड के लिए जो है कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट है। देन वी हैव इसके अलावा एलिसा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, या फिर हेम एग्लूटिनेशन टेस्ट, और एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट एक खुद में बहुत इलैबोरेट टेस्ट है। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होता टाइफॉइड में कि एक बार रिजल्ट नेगेटिव आ गया तो हम डिक्लेयर कर दें कि नहीं पेशेंट एकदम सही है। टू डिक्लेयर टाइफॉइड एज नेगेटिव या पैराटाइफॉइड एज नेगेटिव, 10 कॉन्जिक्यूटिव टेस्ट जो है वो आपके नेगेटिव आने चाहिए, देन ओनली यू कैन डिक्लेयर द पेशेंट एज नॉर्मल एंड नॉन इन्फेक्टेड। देन लेट्स सी कि क्या क्या प्रोफाइलैक्सिस है, क्या क्या तरीके हैं जिससे हम बच सकते हैं एंटेरिक फीवर से, टाइफॉइड और पैराटाइफॉइड फीवर से। तो पहला तो है कि जनरल मेजर्स, तो जनरल मेजर्स में जो वाटर है, सैनिटाइजेशन है, उसे इम्प्रूव किया जा सकता है और वाटर सप्लाई को इम्प्रूव किया जा सकता है, क्लोरिनेटेड वाटर सप्लाई होगा तो बैक्टीरिया उसमें कम होंगे। अगर वैक्सीन की बात की जाए तो 3 वैक्सीन होती हैं प्रोफाइलैक्सिस के लिए, पहली है टैब वैक्सीन, दूसरी है टाइपोरल वैक्सीन और तीसरी है वीआई एंटीजन वैक्सीन। तो टैब वैक्सीन देखते हैं पहले, टैब में जो है वर्ड टीएबी, टी स्टैंड्स फॉर टाइफॉइड, ए स्टैंड्स फॉर पैराटाइफॉइड ए, बी स्टैंड्स फॉर पैराटाइफॉइड बी। सो इन तीनों को मिला के एक वैक्सीन बनाई गई है, बट यूजुअली ये जो वैक्सीन जिस एरिया में दी जाती है उस एरिया के हिसाब से एक ही कॉम्पोनेंट होता है टाइफॉइड के साथ, मतलब इधर पैराटाइफॉइड ए प्लस टाइफॉइड या फिर पैराटाइफॉइड बी प्लस टाइफॉइड, क्योंकि ऐसा माना जाता है यूजुअली एक एरिया में या तो पैराटाइफॉइड ए ही हो सकता है या पैराटाइफॉइड बी ही हो सकता है। इंडिया में टाइफॉइड प्लस पैराटाइफॉइड ए की जो वैक्सीन है वो प्रेवलेंट है क्योंकि इंडिया में पैराटाइफॉइड ए कॉमन है। अब ये हीट किल्ड वैक्सीन होती है और इसकी डोज होगी 0.5 ml सबक्यूटेनियसली या फिर 0.1 ml इंट्राडर्मली, मतलब पेरेंट्रल रूप से दी जाती है एंड 4 to 6 week के गैप पे दी जाती है। इसका मतलब अगर आज मुझे वैक्सीन लगी इसकी टैब की
तो अब 4 से 6 हफ्ते बाद ही लगेगी वैक्सीन, ना उससे पहले ना उससे बाद में, तो 2 डोजेज में लगती है ये। देन वी हैव द टाइफोरल वैक्सीन। टाइफोरल वैक्सीन पेरेंटरल रूट से नहीं दी जाती है, ओरल रूट से दी जाती है, मतलब कैप्सूल्स आते हैं जो कि आप खुद घर में ले सकते हैं, एंड इन कैप्सूल्स की जो डोजेज है वो है, एक कैप्सूल आपको डेली लेनी होती है, 1, 3 और 5 डे पे। जैसे आज ली तो आप कल नहीं लेना है, परसों लेना है, फिर उसके अगले दिन नहीं लेना, फिर उसके अगले दिन लेना है, तो 1, 3, 5 डेज पे। दूध के साथ लेते हैं खाने से 1 घंटा पहले, एंड ये एंटरिक कोटेड कैप्सूल होती है, मतलब इंटेस्टाइन में जो है इसका इफेक्ट होता है, उससे पहले माउथ में या स्टमक में नहीं होता। देन वी हैव टाइफियम वी आई वैक्सीन, जो कि बैक्टीरियल एंटीजन से बनाई गई होती है, जो इतनी कॉमनली यूज नहीं है। देन वी हैव कि फ्रॉम द मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू कि क्या ट्रीटमेंट होता है एंटेरिक फीवर का। तो एंटेरिक फीवर का ट्रीटमेंट हम 2 तरीके से देख सकते हैं, कि एक इंसान को अगर एंटेरिक फीवर हो गया है तो उसका मैनेजमेंट कैसा किया जाए, और दूसरा है कि ऑफ कोर्स बात है कि टाइफॉइड इज अ बैक्टीरिया, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक ही देंगे, तो दूसरा है एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट। मैनेजमेंट में है, पेशेंट इज आस्क्ड टू डू बेड रेस्ट, आइसोलेशन में रखते हैं क्योंकि टाइफाइड फीसेज और यूरिन के थ्रू स्प्रेड हो सकता है। न्यूट्रिशन का खास ख्याल रखा जाता है, क्योंकि मैंने बताया कि एनोरेक्सिया हो सकता है पेशेंट में, तो अगर उसको खाना नहीं खाने की इच्छा होगी तो ऑफ कोर्स ही बात है डिजीज जो है और वर्स्ट हो जाएगी। फ्लूइड इनटेक का खास ख्याल रखा जाता है, वो तो ऑलमोस्ट हर ही उसमें रखा जाता है, न्यूट्रिशन एंड फ्लूइड इनटेक का। देन सिंस बेड रेस्ट के लिए कहा जाता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि बेड रेस्ट के कारण जो है बेड सोर्स हो जाए, तो प्रिवेंशन ऑफ बेड सोर्स किया जाता है, मतलब रेगुलर बेदिंग, रेगुलर क्लीनिनेस इज इम्पॉर्टेंट। एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट देखी जाए तो फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक इज एंटेरिक फीवर के अगेंस्ट थी क्लोरोफेलिकॉल, एंड ये चीपेस्ट मेथड भी है। अगर आप अपने पेशेंट की जो है फाइनेंशियल कंडीशन देख के उसे ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो क्लोरोफेनिकॉल इज द चीपेस्ट। यू माइट रेफर क्लोरोफेनिकॉल टू एनीबॉडी, एंड इट इज द मोस्ट इफेक्टिव एज वेल। पर जैसे शुरुआत में क्लोरोफेनिकॉल से ट्रीटमेंट शुरू किया गया था, तो देखा गया था कि कुछ समय बाद जो है साल्मोनेला बैसिलाई जो है रेजिस्टेंट हो गए थे क्लोरोफेनिकॉल के, तो और भी कई एंटीबायोटिक्स डिस्कवर की गई थी इसके अगेंस्ट जो यूज होती है, बट क्लोरोफेनिकॉल इज स्टैंडर्ड, जिसकी डोज है 500 mg/6 आवर्स, हर 6 घंटे में एक 500 mg की टैबलेट। और कुछ एंटीबायोटिक्स है, कॉट्रिमाजोल, ट्राइमेथोप्रिम, एमोक्सिसिलिन, एमोक्सिसिलिन भी बहुत कॉमनली यूज है, हर जगह अवेलेबल है, एंड सिप्रोफ्लॉक्सासिन। एंड इंसान अगर इन्फेक्टेड है तो उसका ट्रीटमेंट एटलीस्ट 14 डेज के लिए होना चाहिए, और अगर इंसान कैरियर है तो 4 वीक तक उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, एंड 4 वीक के बाद भी अगर सही नहीं होता और कंडीशन वर्स है तो कोलेसिस्टेक्टॉमी, मतलब रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर भी जो है हो सकता है। और जैसे आप किसी पेशेंट को जो है एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो हो सकता है कि 5 दिन तक भी बुखार उतरे नहीं, क्योंकि 5 दिन लगते हैं बुखार उतरने में और एंटीबायोटिक को अपना इफेक्ट दिखाने में, तो पायरेक्सिया मे परसिस्ट इवन आफ्टर 5 डेज ऑफ थेरेपी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इस चैप्टर के रेडी टू रीड नोट अवेलेबल है हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे, जिसका लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।